महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की टिप्पणी के बाद मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर जलसा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच नाना पटोले ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटे हैं, जब भी उनकी फिल्में रिलीज होगी या जब हम उन्हें स्पॉट करेंगे तो हम उन्हें काले झंडे दिखाएंगे, हम लोकतांत्रिक तरीकों का पालन करेंगे, हम गोडसे वाले नहीं बल्कि गांधी वाले हैं। नाना पटोले ने कहा कि मैं अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के खिलाफ नहीं बल्कि उनके काम के खिलाफ बोलता था, वे असली हीरो नहीं है, अगर वे होते तो लोगों के कष्टों के दौरान उनके पास खड़े होते, अगर वे कागज के शेर बने रहना चाहते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सीने जगत के वरिष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी दी है कि मोदी सरकार के खिलाफ चुप रहने वाली इन हस्तियों की फिल्मों की शूटिंग महाराष्ट्र में नहीं होने दी जाएगी। नाना पटोले के अलावा महाविकास आघाड़ी सरकार के दो अन्य दलों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की ओर से भी धमकियों के ऐसे ही स्वर सुनाई दे रहे हैं। पिछले सप्ताह ही महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने वाले नाना पटोले ने ट्वीट कर कहा है कि संप्रसंग सरकार के दौरान जब ईंधन की कीमत 70 रुपए थी तो सबने सवाल खड़े किए थे, अब अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार कहा है आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए है, ऐसा होने के बाद भी वे चुप क्यों है। आम लोगों को लूटने वाली मोदी सरकार के खिलाफ चुप रहने वाली ऐसी हस्तियों की फिल्मों की शूटिंग महाराष्ट्र में नहीं होने दी जाएगी।